दोस्तों आप सबके पास क्रेडिट कार्ड होगा या आप क्रेडिट कार्ड लेने चाह रहे होंगे आजकल, और ये भी आप सबको पता है अलग अलग बैंक की तरफ से अलग अलग टाइप्स की क्रेडिट कार्ड हैं। मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ बताऊंगा, जैसे कि अमेजन फ्लिपकार्ट वगैरह में जैसे बिग बिलियन डे या मैक्सिमम भारी डिस्काउंट वाले सेल्स आते हैं, जैसे सीजनल सेल्स होते हैं, वहाँ पे आपको पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड्स मांगा जाता है कि ये वाले क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो आपको इतना परसेंट की डिस्काउंट मिलेगा। तो हर एक क्रेडिट कार्ड का अपने अपने फ़ायदे होते हैं, जैसे कि ऐसे भी क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जहाँ पे अगर आप ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो, ज़्यादा ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हो तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा रिवार्ड्स मिलता है। अगर डिफेंस पर्सन्स के लिए ऐसे भी क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जैसे कि कैंटीन सप्लाई डिपार्टमेंट में अगर ज़्यादा यूज़ करें वहाँ से आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलता है, रिवार्ड पॉइंट्स मिलता है। ऐसे भी क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जो आप रेलवेज में RCTCs में बुक करते टाइम आपको एक्स्ट्रा रिवार्ड्स मिलता है, आप पेट्रोल भरवाते हुए, डीजल भरवाते हुए, आप होटल में यूज़ करते हुए तो वहाँ से भी आपको एक्स्ट्रा रिवार्ड्स मिलता है। बेसिकली चीज़ ये है दोस्तों, अगर आप 100 रुपीज़ खर्चा कर रहे हो तो उसमें आपको क्रेडिट कार्ड रिवार्ड पॉइंट्स के तौर पर कितना ज़्यादा दे रहा है, ये आपकी यूजिंग पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। हर एक इंडिविजुअल अपना अलग अलग तरीके की यूजेस होता है, अपना अपना अलग अलग तरीके की स्पेंडिंग्स होता है महीने में। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो तो सबसे अहम चीज़ होता है अपने लिए एक परफेक्ट क्रेडिट कार्ड चुनना, जिसके जरिए आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदा हो, आप जैसे स्पेंडिंग पैटर्न है आपका। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल है, आप सबके पास योनो SBI एप्लीकेशन होगा, इसके ज़रिए हम आगे वीडियो में देखेंगे कैसे अपने खुद के लिए अपने स्पेंडिंग पैटर्न्स को सिलेक्ट करते हुए अपने लिए कैसे परफेक्ट क्रेडिट कार्ड को चुनना है, और बिना कहीं विजिट किए फिजिकली, यानी कहीं बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं, कोई ब्रोकर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे कैसे अपनी योनो SBI एप्लीकेशन से ही आप खुद के लिए एक अपने परफेक्ट क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। आप जैसे ही योनो एप्लीकेशन ओपन करते हो यहाँ पे आपको नीचे कार्ड सेक्शन दिख जाएगा, तो वहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए, और यहाँ पे अगर आपका कोई पुरानी क्रेडिट कार्ड सही यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मेरा है क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी, पहले से योनो SBI से अप्लाई किया था, और यहाँ पे दो सेक्शन दिखेंगे आपको, रिट्राइव पब्लिक ट्रैक एप्लीकेशन, यानी आप पहले से अगर कोई अप्लाई कर रखे हो क्रेडिट कार्ड तो यहाँ से आप इसके स्टेटस को ट्रैक कर सकते हो, और हम यहाँ पे गेट ए न्यू SBI क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपको दो ऑप्शन मिलेगा, ब्राउज कार्ड्स और फाइंड योर परफेक्ट क्रेडिट कार्ड पे ब्राउज कार्ड करेंगे तो यहाँ पे सारे क्रेडिट कार्ड्स आ जाएंगे जो SBI की तरफ से है। लेकिन दोस्तों हमें अपने लिए एक परफेक्ट क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट करना है जो हमारे स्पेंडिंग पैटर्न को मैच करता है, जिससे हमें ज़्यादा फ़ायदा हो, तो हम यहाँ पे फाइंड योर परफेक्ट क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, आपको कुछ आपके स्पेंडिंग पैटर्न्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछा जाएगा, आप उसका आंसर दे दीजिए, और आपको आपके जो परफेक्ट क्रेडिट कार्ड है जो आपको फ़ायदेमंद रहेगा आपको यूजिंग के लिए, और जहाँ से आपको ज़्यादा रिवार्ड मिलेगा आपको वो क्रेडिट कार्ड दिखाया जाएगा जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप नीचे लेट्स बिगिन पर क्लिक कर लीजिए, और यहाँ पर जो वैल्यू और क्वालिटी है इसको बैलेंस्ड पर रहने दीजिए, और आगे नेक्स्ट कर लीजिए। और यहाँ पे आपको आपकी जो एनुअल इनकम पूछा जा रहा है, जो कि आप अप्रोक्स में 1 लाख कम से कम या मैक्सिमम 30 लाख तक सेट कर सकते हैं, हम यहाँ पे 5 लाख करते हैं, और यहाँ से आप नेक्स्ट कर लीजिए, या अपनी इनकम के हिसाब से आप इसको सेट करिए, और यहाँ से आप जैसे नेक्स्ट करेंगे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पे अपने मंथली जो एक्सपेंसेस होता है, जो खर्चा होता है, उसको एवरेज अमाउंट के हिसाब से आप डाल सकते हैं, जैसे कि आप डाइनिंग में कितना खर्चा करते हैं हर महीने, लगभग 2 से 3 हज़ार या 4 हज़ार आप डाल दीजिए। फ्यूल, यानी कि आप अपनी बाइक या कार यूज़ करते हुए कितना फ्यूलिंग करते हो, कितना डीजल पेट्रोल यूज़ करते हो। आपकी मंथली इंटरनेशनल स्पेंडिंग्स कितना है, मूवी पे आप कितना खर्चा करते हो हर महीना, 2000 या 1000 की कितना की टिकट खरीदते हो, और नेक्स्ट जो है शॉपिंग्स कितना करते हो, आप जाके बाजार वगैरह में जैसे कि मॉल वगैरह में कितना स्वाइप करते हो, और ट्रैवल में आप कितना खर्चा करते हो, उस हिसाब से आप इसको सेट कर दीजिए। ये सारी चीज़ें आपको अप्रोक्सीमेटली बताना होता है अमाउंट्स, और ये सारी चीज़ पूछे जाने का मतलब ये ही दोस्तों, आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हुए इस चीज़ को अगर आप खरीदते हो या आपको ट्रांजेक्शन करते हो कहीं डाइनिंग में, फिल्म में, मूवीज़ में, शॉपिंग में या ट्रैवल्स में, तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवार्ड पॉइंट्स मिल सके। और दोस्तों ये जो रिवार्ड पॉइंट्स होता है ये कभी कभार 25 पैसे से लेके 1 रुपये तक भी कंसिडर किया जाता है, ये अलग अलग टाइम पे वैरी करता है अलग अलग कार्ड के साथ, और कहीं कहीं कार्ड्स में आपको 100 रुपीज़ ट्रांजेक्शन के साथ आपको 10 पॉइंट्स भी रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं। तो दोस्तों इसीलिए SBI योनो आपको पूछता है कि आपकी जो मंथली स्पेंडिंग से आपकी मंथली स्पेंडिंग पैटर्न क्या है, आप कहाँ पे ज़्यादा पैसे लगाते हो, तो इस हिसाब से आपको आपकी जो बेस्ट क्रेडिट कार्ड है जहाँ पे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा यहाँ पे आपको वो शो करता है। तो हमने यहाँ पे जो हमारे स्पेंडिंग पैटर्न्स को सिलेक्ट किए हैं उसी हिसाब से हमें दो कार्ड यहाँ पे दिखाया गया है,
जो है सिंपली सेव SBI कार्ड, जो कि बहुत बेहतरीन कार्ड है, मैं पहले भी इसको यूज़ कर रखा हूँ, और एयर इंडिया SBI प्लैटिनम कार्ड, ये हमने ट्रैवल पे 5,000 सिलेक्ट किए थे, यानी कि हमारा जो मंथली खर्चा था 5,000 से ज़्यादा था, इसलिए यहाँ से ज़्यादा रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे, इसलिए हमें ये दिखाया गया था। तो आप यहाँ पे दो कार्ड आपको दिखाया गया है, आपकी स्पेंडिंग हिसाब से आपको कार्ड दिखा जाएगा। तो आप यहाँ पे आके आगे जाके आप इसकी जो फीचर्स वगैरह आप चेक कर लीजिए, प्रिविलेज क्या है, फीस एंड चार्जेस क्या है, तो उस हिसाब से आप नीचे से इसको अप्लाई नाउ करके आगे बढ़ सकते हो। और जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर आपकी सिटी पूछा जाएगा, और यहाँ पर अगर आपका लिस्टेड सिटी नहीं है तो नीचे आपको एक टोल फ्री नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप कॉल कर लीजिए। SBI अपनी तरफ से आपके पास एक एजेंट भेजेगा जो कि आपके सारा डॉक्यूमेंट्स ले जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और घर बैठे बैठे आपकी जो क्रेडिट कार्ड है वो प्रोसेस हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक था एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आप जब भी क्रेडिट कार्ड लेते हो तो आप अपने हिसाब से क्रेडिट कार्ड की चुनाव करिए, ऐसा नहीं कोई आपको एजेंट आए और आपको बोले ये क्रेडिट कार्ड ले लो, ऐसे मत करिए दोस्तों। आपने जो स्पेंडिंग पैटर्न से महीने में आप क्या क्या खर्चा करते हो, उस हिसाब से अपनी जो क्रेडिट कार्ड है उसे सिलेक्ट करिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर क्विक अपडेट्स। मैं ऐसे छोटे छोटे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।